नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आज मैं जो घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना बहुत ही खतरनाक है और जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो ये कहानी ना सुने और साथ में बच्चे ये वीडियो ना देखें। दोस्तों ये घटना है आज से 30 साल पहले की बात है। तो उस समय सड़कें नहीं होती थी और लोग शॉर्टकट रास्ते से आना पसंद करते थे। तो दोस्तों होता क्या है कि मेरे सगे ताया जी हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों वो प्रिंसिपल लटेर हैं और होता क्या है कि अब क्या जैसे गांव में वो कहीं घूमने गए होते हैं और शाम को अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों गांव देहात में क्या होता है कि वहाँ पर जैसे किसी का गांव भी होता है तो सड़क से वो कम से कम 2 या 3 या 4 किलोमीटर दूर होता है। तो दोस्तों उस बस उसमें क्या था कि सड़कें नहीं थी और शॉर्टकट रास्ते थे और बसें भी नहीं चलती थी इतनी। कुछ बसें भी चलती थी तो मगर बसों की भी टाइम लिमिट होता था कि जैसे दिन में 1 या 2 बसें चलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो और चाचा जी हमारे हमारे ताया जी लेट हो जाते हैं रात को और वो माता चिंतपूर्णी का मंदिर है। तो दोस्तों माता चिंतपूर्णी मंदिर से मेरा घर जो है वो 3 किलोमीटर का रास्ता है और वो भी पैदल है, घने जंगलों से होकर आना पड़ता है। तो और रात के कोई 11 बजे का टाइम था और ताया जी उधर से चिंतपूर्णी से मंदिर से इससे पहले माथा टेका और पौड़ियों के साथ हाथ लगाकर सीधा वो अपने घर की तरफ निकल पड़े, जहाँ से दोस्तों माता चिंतपूर्णी को स्नान करवाते हैं। उस जगह का नाम ताल है। तो उस ताल की तरफ से एक रास्ता जाता है। तो होता क्या है कि ताया जी हमारे उस ताल से निकलते हैं और चले आते हैं। कोई उनको आधा घंटा होता है चले, क्योंकि जंगल तो था तो कम से कम आधा घंटा हो जाता है और अंधेरा काफ़ी था। उसके पास टॉर्च नहीं थी, बैटरी नहीं थी उनके पास। और वो होता क्या कि जैसे वो अब पहाड़ियों के बीच में जहाँ पर शमशान घाट होते हैं, तो शमशान घाटों पर जहाँ पर वहाँ पर हर कास्ट के लोग जलाते हैं, जैसे हरिजन है, ब्राह्मण है, चौधरी है, राजपूत हैं, सारे 3-4 कास्ट के लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा उनकी अपनी अपनी जगह है जहाँ पर वो जलाते हैं, मगर वो सभी की जगह एक जगह होती है, यानी कि अलग अलग होती है। थोड़ा जगह का स्पेस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वो जलाते हैं, मगर सभी अलग अलग जलाते हैं। तो होता क्या कि ताया जी जब आते हैं तो अब पहले हरिजनों का शमशान घाट पड़ता है। तो जैसे आते हैं तो अब वो चलते हैं तो उनको लगता है कि उनके साथ कोई आदमी चला हुआ है। तो उन्होंने देखा तो आवाज़ उन्हें ऐसे लग रहा था, उनको थोड़ा एहसास हुआ कि कोई चीज़ उनके साथ चल रही है। तो दोस्तों होता क्या है कि ताया जब पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी चला है उनके साथ और वो उनको देख कर कहता है। अब ताया जी देखते हैं और घबरा जाते हैं कि रात के 11:30-12 बजे का टाइम हुआ है और इसमें ये आदमी कौन है जो मेरे पीछे चल रहा है। तो जैसे ही ताया आगे की तरफ चलते हैं तो साथ में वो एकदम उनके साथ आ जाता है और वो ताया जी को कहता है कि भाई साहब मुझे बीड़ी दो आप। तो ताया जी तो समझ गए थे कि ये तो भूत है और भूत के साथ, अब भूत है तो भूत के साथ बोलते नहीं, वो इशारे से काम होता है, क्योंकि जो लोग जानते हैं तो वो लोग इशारे से काम करते हैं और जिनको पता नहीं होता वो बोलने स्टार्ट करते। तो बोलने से क्या होता है कि बोलने से आपकी डेथ हो सकती है, तो इन चीज़ों के साथ बोलते नहीं, सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। आपने कुछ नहीं कहा, इशारा। और क्या हुआ कि ताया जी अब
उनके कपड़े जो थे बिल्कुल गीले हो गए और पसीने से जो शरीर था उनका बिल्कुल लथपथ हो गया और काफ़ी घबरा गए, डर गए थे। तो ताया जी ने बीड़ी लगा रखी थी, तो अब वो भूती उनसे बीड़ी मांग रहे हैं कि भाई साहब मुझे बीड़ी दो। तो ताया जी कहे मेरे पास नहीं है, इशारे से। तो अब ताया जी आगे आगे चले हैं, भूत पीछे पीछे, और उनको वो बार बार कभी वो आगे खड़ा हो जाए तो ताया जी उस रास्ते से थोड़ा पीछे हट जाए, आगे निकल जाए। तो ऐसे दोस्तों करते करते वो उनके साथ चलता रहा और उनसे बीड़ी मांगता रहा। ताया जी भोलेनाथ जी के बहुत अच्छे भक्त हैं और उनकी भक्ति करते थे। तो ताया जी चल रहे हैं, ताया जी समझ गए थे अब और कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों वहाँ से घर अभी 1-1.5 किलोमीटर है, तो इस भूत के साथ तो अब 1-1.5 किलोमीटर चलना ही है। तो ताया जी चलते रहे, वो भी भूत साथ में चलता रहा। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे वो अब घर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो रास्ते में हमारे देवी देवता पड़ते हैं। तो देवी देवता जो ये हमारी देरी हैं, तो देरी ही पड़ती हैं, तो देरियों के पास से जैसे पहुंचते हैं तो एकदम वो गायब हो जाता है। तो ताया जी देखते हैं आगे पीछे की वहां से गायब हो गया, क्योंकि दोस्तों जहां पर देवी देवता होते हैं तो ये जो भूत प्रेत होते हैं ये भी भाग जाते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ताया जी के साथ हुआ। फिर ताया जी ने उसके बाद अपने कान के साथ हाथ लगाए कि अब रात को अगर मैं लेट हो जाता हूँ या तो मैंने वहीं पर ठहर जाना या तो घर को नहीं जाना। तो दोस्तों ये जो ताया जी के साथ घटना हुई थी, तो ये घटना बिल्कुल सच है, ताया जी अभी भी हैं और वो हमें भी सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था। तो दोस्तों ये जो मैंने घटना बताई है ये सच्ची घटना है और हिमाचल के मुझे लगता है जहाँ तक 100 में से 10 आदमी ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं और ये सच्ची घटनाएं होती हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि ये घटनाएं मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी जिस दिन आपके साथ ऐसी घटना घटित होगी आप भी उस दिन मान जाओ, क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था और मैं बहुत अपने को बहुत निडर मानता था कि जो मैं हूँ ना, क्योंकि मुझे मिलेगा नहीं, मुझे भाई कहते थे, मम्मी पापा कहते थे, तो मैं कभी उनकी बातों को विश्वास नहीं करता था, कोई कहता गया तो भी नहीं करता था। तो दोस्तों ऐसे ही जब मेरे साथ घटना घटित हुई, मुझे तो ये चीज़ दिल में भी मिली थी और मैं आज तक उन चीज़ों को वैसे ही याद करता हूँ जैसे वो ऐसे लगते हैं स्वप्न होता ना, कि लगता है कि जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, मुझे आज भी उन चीज़ों का वैसे ही आभास होता है, देखो कि मैंने ये चीज़ दिन में देखी थी और मैं कहता था ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो दोस्तों जो लोग नहीं मानते, अच्छी बात है नहीं मानते, मगर बात यह है कि ये मानना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों पहाड़ों के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें आम बात है, आप कहीं चले गए, किसी की डेथ हुई पड़ी है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तो दोस्तों उनकी आत्माएं जो होती है भटकती हैं, और जब आत्मा भटकती है तो जब भी कोई जाता है तो उसको परेशान करती है, उसको तंग करती है, या तो कई बार उन लोगों की डेथ भी हो जाती है। मैंने ऐसे भी केस देखे हिमाचल के अंदर, और यहाँ पर तो हम अक्सर दूसरे तीसरे महीने ये बात हमें सुनने को मिल जाती ऐसा हुआ। और जो मैंने जितनी भी आपको सच्ची घटनाएं बताई सारी सच है, ये नहीं मेरी बनाई हुई है। दोस्तों ये जिन लोगों के ऊपर मैंने सच नहीं सच्ची घटनाएं बताई आपको, वो लोग अभी कुछ में से तो जिंदा हैं और कुछ मर गए, मगर जो जिंदा है ना उनके ये चीज़ उनसे बात करवा सकता हूँ लोगों को कि वो लोग कौन थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे कहानी मेरी,
तो इसको जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और साथ ही जो बच्चे और बूढ़े हैं, वो जो कमज़ोर दिल वाले हैं, वो इस कहानी को ना सुने। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत। अब मैं आऊँगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।